हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपकी वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 18। ये है आपकी 15 अगस्त की वर्कशीट। ये वर्कशीट देखने से पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही हम वर्कशीट अपलोड करें आपको इमिडिएटली पता चल जाए और आपको वर्कशीट के लिए हमसे पूछना ना पड़े। तो इस वर्कशीट में क्या है जल्दी से वो देख लेते हैं। तो ये जो वर्कशीट है आपकी, ये इसमें आपको एक आर्टिकल लिखना है। वो आर्टिकल किस पर लिखना है? तो अभी जो डिफिकल्ट सिचुएशन है हमारी दुनिया में फिलहाल, हमारे वर्ल्ड में फिलहाल, वो है पेंडेमिक की। कोरोना वायरस सब में सब जगह फैल चुका है और कोविड-19 होने का खतरा है। तो इस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट, ग्रीड, इनसेंसिटिविटी एंड डिस्ट्रेस, ये आप कई जगहों पर देख सकते हैं। बहुत कॉमन हो गया है कि लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, घर पे सब रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ 24 घंटे रहकर झगड़े बढ़ गए हैं। लालच आ गया है क्योंकि अब सब स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी के जॉब चली गई है, किसी के घर में खाने को नहीं है, तो लालच बढ़ गया है। बहुत ही इश्यूज आ रहे हैं बिजनेसेस को भी। एक दूसरे के लिए सेंसिटिविटी नहीं है क्योंकि अपनी हेल्थ के लिए सब, अगर हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हैं तो सब एक दूसरे के टेंस इनसेंसिटिव हैं। और साथ ही साथ ये इतना डिफिकल्ट सिचुएशन है, आपको हमेशा टेंशन इतना रहता है कि उस वजह से स्ट्रेस हो जाता है और बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। हाउएवर द स्ट्रेंथ बिल्ट बाय यू एंड योर फैमिली, स्कूल, टीचर्स एंड फ्रेंड्स हैज हेल्प्ड यू। तो इस सिचुएशन में, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन होने के बावजूद, हम सब ने मिलकर जो ये स्ट्रेंथ बिल्ड की है, हमारी हमारा परिवार, हमारा स्कूल, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, सभी ने एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहकर और एक दूसरे को सपोर्ट जैसे किया है, तो उस वजह से हम सभी की स्ट्रेंथ बढ़ी है। और स्ट्रेंथ बढ़ने से, विल पावर बढ़ने से हम सभी की रेजिलियंस बढ़ी है। तो ये कैसे बढ़ी है? ये सबसे कनेक्टेड रहकर, एक दूसरे की मदद कर कर, रिलेशनशिप्स बनाकर और अपनी हेल्थ का ध्यान रखकर, इस तरह से हम सब ने अपनी विल पावर बढ़ाई है और साथ ही साथ हमने अपनी रेजिलियंस बढ़ाई है। तो रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस एक वो क्वालिटी होती है, वो कैपेबिलिटी होती है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हम गिव अप ना करें और हम कंटिन्यूसली परसिवियर करते रहें। तो जो आपकी ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये वर्कशीट्स हैं, और साथ ही साथ आप अपने टीचर्स से जो मिल पा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, तो उसने भी कहीं ना कहीं आपका ये कनेक्ट बिठा के रखा है। आप लोगों के संपर्क में हैं, उनसे बात करते हैं, कोई इश्यू आता है तो आप उनसे हेल्प मांगते हैं, आपकी रिलेशनशिप्स इंटैक्ट हैं, तो इसके थ्रू आपकी रेजिलियंस बनी है। तो रेजिलियंस के में क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? तो रेजिलियंस हमें स्ट्रांग बनाता है, वो हमें कॉन्फिडेंस देता है, वो हमें मोटिवेट करता है हमें आगे बढ़ने के लिए, साथ ही साथ हमारा ध्यान रखता है रेजिलियंस, क्योंकि हम खुद को बचा पाते हैं, हम स्ट्रांग रहते हैं, हम एफर्ट करते हैं, और साथ ही साथ हम चेंज के लिए रेडी रहते हैं, और हम इतने एजाइल होते हैं, हम इतने फ्लेक्सिबल बन पाते हैं कि जो भी हमारे सामने सिचुएशन आ रही हो, अच्छी सिचुएशन या बुरी सिचुएशन, उसमें हम सक्सेसफुल निकलते हैं। तो रेजिलियंस के बारे में यहाँ और भी आपको बताया गया है। तो आगे देखें तो आपको मेंटल रेजिलियंस आप कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आप कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं मेंटली? तो उसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनिए, लेकिन साथ ही साथ अंडर कॉन्फिडेंट भी मत बनिए। खुद को अप्रिशिएट कीजिए, अपनी वैल्यू को समझिए और खुद को लाइक कीजिए। फिर है अडेप्ट टू चेंज। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जीवन में बहुत चेंजेस आते हैं, तो जैसे भी चेंजेस हो, अच्छे या बुरे, आपको उनसे अडेप्ट करना आना चाहिए, आपको उन चेंजेस के साथ में चलना आना चाहिए। देन डेयर टू से नो। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज में आपको जरूर हाँ करनी चाहिए और किन चीजों के लिए, किन कामों के लिए आपको जरूर ना बोलना चाहिए। तो अगर आपकी अंतरात्मा आपको कह रही है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो हमसे मांगा जा रहा है, ये गलत है, तो आपको इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप सामने से उस चीज को मना कर सकें। इससे भी स्ट्रेंथ बढ़ती है, मेंटल रेजिलियंस बढ़ती है। फिर यहाँ लिखा है गो फॉर इट। तो कभी भी कुछ नया ट्राई करने से पीछे मत हटिए और बस खुद में हिम्मत रखिए और उसे कर डालिए। टॉक अबाउट इट। अगर आपको कोई भी इश्यू है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो चुप मत रहिए, आप उससे बात कीजिए। आप आसपास लोग ढूंढिए जिन्हें जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं और जरूर उनसे बात कीजिए। ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया ट्राई कीजिए। खासकर ये पैंडेमिक के सिचुएशन में आप, ये बहुत अच्छा टाइम इसलिए आप इसे बना सकते हैं, आप इस सिचुएशन को भी आप
रिवर्स करके, ऑपोजिट करके इस नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव बना सकते हैं. कैसे? आप नई नई चीजें सीख सकते हैं. तो अगर आप घर पे बैठे हैं, आप बाहर जाके खेल नहीं पा रहे हैं, तो आप घर पे पेंटिंग सीखिए, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए और पेंटिंग सीखिए, अपनी पेरेंट्स की हेल्प कीजिए, आप खाना बनाने के लिए कुकिंग सीखिए. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं घर पर रहकर भी. टेक द बैड विद द गुड. तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी में बस जो अच्छे मौके आए बस उन्हीं को आप अप्रिशिएट करें और जो बुरे मौके आए आप बिल्कुल ही उसमें डिस्करेज हो जाए, ऐसा नहीं है. जैसी भी जो भी सिचुएशन आए, अच्छी या बुरी, आप उससे बिल्कुल दिल खोल करके एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए. रिलैक्स एंड लेट गो. कोई भी सिचुएशन है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसमें भी आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. वर्कशीट भी अगर बहुत ज्यादा लग रही है, कोई बात नहीं, रिलैक्स कीजिए और थोड़ा सा एक पॉज लीजिए, ब्रेक लीजिए और फिर उसे दोबारा से करने के लिए बैठिए. जरूर ही आपकी रेजिलियंस, आपकी स्ट्रेंथ इससे बढ़ेगी. सेट गोल्स. अगर आपके गोल्स क्लियर हैं, अगर आपको क्या करना है अपने जीवन में, और सिर्फ जीवन में ही नहीं, अगर डेली बेसिस पे भी आपको पता है कि आज मेरा गोल ये है, आज मैं ये करूंगा या करूंगी, तो उससे भी आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, रेजिलियंस बढ़ता है. देन गेट फिट. पूरा दिन टीवी के सामने बैठने से आंखें ही खराब होंगी और आपका शरीर ही खराब होगा. तो ऐसी सिचुएशन में फोकस कीजिए कि आप कैसे खुद को फिजिकली और मेंटली फिट रख सकते हैं. तो कोई भी ऐसी चीज जो जिसमें आपका मन लगता हो वो जरूर कीजिए. जैसे खेलिए, आप इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, आप घर पर डांस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप गाते अच्छे हैं तो आप गाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप घर पर ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं. तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप फिट रह सकते हैं. आस्क फॉर हेल्प एंड काउंट ऑन फ्रेंड्स. तो कोई भी आपको दिक्कत है, कभी भी शर्माइए मत, आप जरूर हेल्प जरूर पूछ मांगिए. आप उसके लिए अपने फ्रेंड्स के पास जा सकते हैं, अपने टीचर्स के पास जा सकते हैं, अपने पेरेंट्स के पास जा सकते हैं, ऐसे लोग जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं. तो जरूर काउंट ऑन फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स को भूलिए मत, उन पे भरोसा रखिए. अगर आपके अच्छे दोस्त हैं तो वो जरूर आपकी मुश्किल वाली सिचुएशन में भी आपका साथ देंगे. तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज आपको बताई गई हैं मेंटली रेजिलियंट होने के लिए, और इस सिचुएशन में, इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आप कैसे उभर कर आ सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, उनके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं आपको. और इसी पे बेस्ड आपका यहाँ पर टास्क भी है. तो आपका यहाँ टास्क है, राइट एन आर्टिकल इन 120 to 150 words अबाउट हाउ योर क्लासेस, वर्कशीट्स, योर टीचर्स एंड फ्रेंड्स हैव हेल्प यू बिल्ड रेजिलियंस इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स. तो आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखना है, कम से कम 120 से 150 शब्दों के बीच में आपको आर्टिकल लिखना है कि कैसे आपकी क्लासेस जो हैं, आपकी वर्कशीट्स जो आपको मिल रही हैं रोज, आपके टीचर्स और फ्रेंड्स जो हैं, उन्होंने कैसे आपको इस सिचुएशन में, इन डिफिकल्ट टाइम्स में भी रेजिलियंस दिया है, कैसे आपको स्ट्रांग बनाया है. तो यहाँ पर टॉपिक आपको दिया गया है, वी शैल ओवरकम. हम जरूर इस सिचुएशन में हम इसको ओवरकम कर पाएंगे, हम होंगे कामयाब. तो ये टॉपिक पर आपको यहाँ पर एक आर्टिकल लिखना है. तो आइए अब आपका सैम्पल आर्टिकल देख लेते हैं. तो हमने यहाँ पर आपके लिए एक सैम्पल आर्टिकल लिखा हुआ है. ये सैम्पल आर्टिकल जो है ये 120 से 150 वर्ड्स के बीच में ही है, हमने वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं की है. आप भी सैम्पल आंसर को पढ़िए और देखिए कि आप इससे क्या आइडिया लेकर, और जो वर्कशीट में आइडियाज दिए हुए हैं उनसे इंस्पायर होकर आप अपना कैसे आर्टिकल लिख सकते हैं. ध्यान रखिएगा कि वर्ड लिमिट आप एक्सीड ना करें. तो कुछ यहाँ पे भी वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं और कुछ आपकी वर्कशीट में भी है जो आप यूज कर सकते हैं. यहाँ पर हमने एक कोटेशन भी यूज की है, जैसे आई फील वन शुड नॉट फॉरगेट दैट दिस टू शैल पास. तो ये वक्त भी गुजर जाएगा. तो इस तरह की आप कोटेशंस भी अपने आर्टिकल में यूज कर सकते हैं. इस आर्टिकल को पढ़िए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. कोई वर्ड या सेंटेंस आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं. आज के लिए इस वर्कशीट में इतना ही है. उम्मीद करते हैं कि आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया होगा. अब इस वर्कशीट के बाद चलते हैं आगे आपकी इकोनॉमिक्स की वर्कशीट पर. आज के हमारे 18th वर्कशीट में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले 15th ऑफ अगस्त की जो वर्कशीट है उसके अंदर इकोनॉमिक्स का टॉपिक। तो आज के जो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो पिछली वर्कशीट से कनेक्टेड है, जो कि है विकास, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था किस तरीके से दो कंट्रीज को हम कंपेयर कर सकते हैं पर कैपिटा इनकम, मतलब
एक बंदे की जो इनकम है दो देशों के मुकाबले में कैसे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम पूरे जो पूरे देश में जो लोग हैं उनकी जो टोटल इनकम हो गई, टोटल आय हो गए, उनसे जोड़ कर भाग कर दें पॉपुलेशन से, तो उससे हमें मिल जाता था पर कैपिटा इनकम। बट हमने ये भी देखा कि किस तरीके से उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो आज हम एक नया मापदंड देखने वाले हैं जिसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लिखा हुआ है जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। रिपोर्ट जो है वो कौन बनाता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी की फुल फॉर्म हो गई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आइए चलते इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि यूएनडीपी क्या काम करता है, इस रिपोर्ट में आपको क्या मिलता है। सो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो हर साल एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड एक रिपोर्ट निकालते हैं। यहाँ पर हमने जो डिस्कशन कर रहे हैं 2019 की रिपोर्ट है उसके बारे में। ये स्थापित हुआ था 1990 में। तो इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तीन चीजें एज अ मापदंड रखी जाती है। तो कौन सी तीन चीजें हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, इमेज से बहुत जल्दी समझ में आता है। तो पहला चीज है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो आप इसको आप समझ सकते हैं हेल्थ। जितनी ज्यादा अच्छी आपका हेल्थ का सिस्टम होगा, मतलब डॉक्टर्स हो गए या फिर आपका हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक्स हो गए, जितना अच्छा होगा, सस्ता होगा, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी रहेगी। इंश्योरेंस सिस्टम भी आ जाता है इसके अंदर। जैसे कि आपको इंश्योरेंस अगर गवर्नमेंट से फ्री मिलती हो, फ्री इन द सेंस कुछ ही पैसों में एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो, तो आपको कोई चिंता नहीं होती। आप बच्चे की तरह इस तरीके से सो रहे होंगे और आप कुछ भी काम करेंगे आप बिना डरे करेंगे। तो बिना डरे जब कोई काम होता है तो आप अच्छे से कर पाते हैं। एवरेज एजुकेशन लेवल। तो अगर पूरे देश का एजुकेशन लेवल बढ़ जाएगा तो वो तरक्की अच्छे से करेगा। तो एक ये तरीका होता है देखने का कि लोगों की एवरेज एजुकेशन क्या है देश में। तीसरा होता है पर कैपिटा इनकम। तो बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इन तीनों क्राइटेरिया को देखा गया है। पहला हो गया हेल्थ, ठीक है, दूसरा हो गया एजुकेशन, और तीसरा हो गया पैसा, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग कैसे रह रहे हैं वहां पे पूरे देश में। तो जितना अच्छा ये तीनों चीजें लोगों के लिए होगा, हम मानते हैं कि देश अच्छा तरक्की कर रहा है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि देश इंडिया, मतलब हमारा देश कैसा कर रहा है? तो सॉरी टू से, हमारा देश ज्यादा अच्छे ढंग से नहीं कर रहा। जैसा कि आप ये रिपोर्ट में देख पा रहे हैं, इंडिया की जो रैंक है 129 है। आप सोच रहे होंगे अच्छी है बुरी कैसे पता चलेगा? तो नीचे मैंने एक और चीज लिखी है, इंडिया रैंक 129 आउट ऑफ 189। तो 2009 का जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया की जो रैंक है वो 129 है 189 कंट्रीज के बीच में से। वेयर एज श्रीलंका जैसा जो छोटा देश है उसकी जो रैंक है वो 71 है, वो हमसे ज्यादा बेहतर है, काफी अच्छी पोजीशन पे है। तो आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ये वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज हैं इंसान के रहने के लिए। फैसिलिटीज यहाँ पे बहुत ही सस्ती है। मैं फिर दोबारा डिस्कस करना चाहूंगा, यहाँ पर इनको बेस्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि इनके पास, लोगों के पास पब्लिक सर्विसेज सस्ती हैं और अच्छी हैं और फ्री हैं। ऑलमोस्ट एजुकेशन वहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री है, बेसिक एजुकेशन 12th तक की आप कह सकते हो। आपका हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल ही ज्यादा फ्री है, लोगों की केयर करी जाती है। तो ये और वहाँ पर कैपिटा इनकम ऑब्वियसली ज्यादा हो जाती है। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय जो है वो ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाती है? क्योंकि आप मन से अगर शांत होते हैं तो काम अच्छा करते हैं। वेरस ये नीचे तीन देश हैं जो सबसे नीचे हैं, बट हमें फिक्र करनी है इंडिया की और आसपास हम कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं। तो इसी के बारे में ये टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये जो बाकी सारा कुछ लिखा हुआ है वो सेम इसी चीज के बारे में है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि श्रीलंका जैसा छोटा देश कैसे आगे है। तो मैंने वो आपको बता दिया वो कैसे आगे, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक सर्विसेज अच्छे हैं। और यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरीके से पंजाब के अंदर लोगों की प्रति व्यक्ति आय, मतलब पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, केरला की पर कैपिटा इनकम कम है, बट फिर भी
केरला के वहाँ पे जो पब्लिक सर्विस है वो बेटर है, वो ऐसा क्यों? आप खुद सोचें, केरला में अगर आप कोई गया हो, आपने देखा हो, अगर ना भी सुना तो आपने ये चीज़ जरूर सुनी होगी, वहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो एजुकेशन को सबसे ज़्यादा अच्छे ढंग से महत्व देती है और लोगों को अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश करी जाती है। पर कैपिटा इनकम वहाँ पे कम होते हुए भी एज कम्पेयर टू पंजाब, पंजाब में पर कैपिटा इनकम इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे खेती है, वहाँ पर बंदे की इनकम ज़्यादा हो जाती है। बट फिर भी वहाँ पे रहने का तरीका केरला का बेटर है। क्यों? वहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा है। तो आइए चलते हैं, इन्हीं के बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं जो हमने डिस्कशन करा है। तो इनके आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, साथ साथ हम डिस्कस भी कर लेते हैं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज HDI बेटर इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट? ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटर इंडिकेटर इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ पैसे को नहीं नापता, ये और भी चीज़ों को नापता है, जैसे कि एजुकेशन हो गया या हेल्थ हो गया, और भी बाकी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को ये कंसिडर करते हैं, इसीलिए ये बेटर इंडिकेटर है। आइए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ यू आर आस्क टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज, वॉट वुड यू इंडिकेटर विद यू चूज? तो आप क्या चुनेंगे वो आपके हो सकते हैं, ये मेरे थोड़े से ख्याल हैं, सेम आंसर मैंने हिंदी में भी दे रखा है, क्या पढ़ लें थोड़ी देर में। इफ आई हैव टू कंपेयर, इफ आई वाज आस्क्ड टू कंपेयर, तो मैं उसके अंदर ये कुछ चार चीजें हैं जो मैं देखता। पहली चीज जो है गुड एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा का जो सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी बहुत मैटर कर जाती है। उसी तरीके से हेल्थ सेक्टर में आपको हॉस्पिटल हो गए, उसके बाद अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया कि आपको जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर बहुत ही महंगा ट्रांसपोर्ट होता है तो लोग अपनी गाड़ी खरीदने पे ज़्यादा तवज्जो देंगे। अगर आप सोचें कि आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही कम दरों पे हो तो आप अपना ट्रांसपोर्ट क्यों खरीदोगे जब पेट्रोल इतना महंगा है? तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाएगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, जिससे बहुत सारी और चीज़ें भी कम हो जाएंगी। जितने कम लोग अपनी गाड़ी लेंगे उतना ट्रैफिक भी कम होगा। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तीसरा है पब्लिक सैनिटेशन फैसिलिटी। पब्लिक सैनिटेशन, मैं इंडिया में हम रहते हैं, आपको पता है किस तरीके से लोग राह चलते दीवारों पे टॉयलेट कर रहे होते हैं, तो और फीमेल्स को कितना प्रॉब्लम होता है कि एक टॉयलेट ढूंढने में, उनको रोकना पड़ता है, उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है इस चक्कर में। तो एक फ्री और अगर कहीं अच्छा टॉयलेट मिल भी जाए वो पेड होता है, तो पब्लिक सैनिटेशन फैसिलिटी मुझे लगता है कि ये फ्री होनी चाहिए, इससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, हमें भी और बेटर तरीके से उसको देखभाल भी करनी चाहिए। बट मेरे हिसाब से ये चार क्राइटेरिया हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आपके मन में कोई और ख्याल हो तो आप अपने आंसर में लिखें और हमें भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके से और इंडिया बेहतर हो सकता है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाउ डू पब्लिक फैसिलिटीज मेक डेवलपमेंट बेटर, गिव एग्जाम्पल? तो हमने पहले भी इसके बारे में बात कर ली है, जैसे पंजाब और केरला का जो है एग्जाम्पल हमने लिया था, वहाँ पे बॉक्स में देख भी रखा था कंटेंट में, कि केरला का पर कैपिटा इनकम पंजाब से कम है, बट फिर भी केरला बेटर स्टेज पे है, बिकॉज अगर आपके पास पैसा हो भी ना तब भी आप अच्छी रोड नहीं खरीद सकते। क्या आप खरीद सकते हैं? रोड खुद बना सकते हैं, आप एक रोड बना लेंगे, हो सकता है अपने घर के सामने वाली रोड शायद बना ले आपके पास बहुत अच्छा पैसा हो, बट आप पूरे जहां जहां आपको घूमना है वहां की रोड्स आप नहीं बना सकते। क्या आप टॉयलेट बनाएंगे अगर आपको जहाँ भी जाना है? अगर आपको कहीं रोड लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे टॉयलेट बनाना पड़ेगा? नहीं, नहीं बना सकते, तो गवर्नमेंट का काम है। तो हर किसी का एक काम होता है। तो केरला में अगर आप कंपेयर करेंगे तो केरला में गवर्नमेंट ने इन चीज़ों के ऊपर काम अच्छे से कर रखा है, इसलिए वहाँ का आप देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटर है एज कम्पेयर टू पंजाब, लेकिन पंजाब का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। तो यही हमने कंपेयर करा है, और आपके मन में कोई और कंपैरिजन का पॉइंट है तो आप खुद भी लिख सकते हैं, सेम आंसर हिंदी में भी है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।
फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो हमने बता ही दिया है, 129 है, लास्ट ईयर 130 थी, एक पोजीशन हम आगे बढ़े हैं, जो कि बहुत अच्छा नंबर नहीं है। 2018 का डाटा में हम 130 पे थे, तो अब 129 पे आ चुके हैं। हमें बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इस वर्कशीट में इतना ही, अगर कोई डाउट होता कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलेंगे।